ट्रेन का रूट रहने वाला है वही भाई। अब थर्सडे को जो है नहीं चलती यहाँ से। ट्रेन में दो क्लास है भाई, एग्जीक्यूटिव और चेयर कार। और ये कुछ ऐसा है लंच वगैरह पूरा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई जर्नी में। और आज की जर्नी होने वाली है खास, क्योंकि जर्नी है भाई तेजस एक्सप्रेस में, यानी आप समझ गए हो ट्रेन ब्लॉग होने वाला है आज का भाई। और ब्लॉग होगा भाई अहमदाबाद से मुंबई तक, यानी कि अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक। ट्रेन चलती है भाई यहाँ से सुबह 6:40 पे, मुंबई सेंट्रल पहुंचा देती है आपको लगभग 1 के आसपास। और ट्रेन का रूट रहने वाला है वही भाई, भरूच, वडोदरा, सूरत, बोरीवली, और उसके बाद पहुंचा देगी आपको मुंबई सेंट्रल। तो कुछ ये रहने वाले हैं इसके मेन मेन स्टेशन। ट्रेन में दो क्लास है भाई, एग्जीक्यूटिव और चेयर कार। चेयर कार का किराया लगा भाई अप्रोक्स 1700 और 1600 के आसपास, और आपका लग जाता है एग्जीक्यूटिव का 2300-2400 के आसपास। ट्रेन में आपको मिल जाता है भाई ऑटोमेटिक डोर, सीसीटीवी सर्विलेंस, और खाना वगैरह भी इसमें आपको पूरा प्रॉपर मिलता है। ट्रेन में भाई खास तेजस है भाई, तो नाम से पता चल रहा है आपको कि बढ़िया ट्रेन होने वाली है ये। ट्रेन चलती है भाई अहमदाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। आपको बता दो भाई अहमदाबाद से मुंबई के लिए काफी सारी ट्रेन चलती है यहाँ से, इंक्लूडिंग वंदे भारत, जो कि चलती है भाई दिन में 3 और रात को पहुंचा देती है 8। तो चलो भाई अब आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं ट्रेन का। वैसे तो आपने ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है देख रखा होगा, जिसने सफ़र किया हुआ है तेजस में, जिसने नहीं किया उसको लिए मैं दिखा देता हूँ। और बाकी कोई भी और इन्फॉर्मेशन होती है तो भाई आपको बताता हूँ आगे। चलिए चलते हैं यहाँ से। अब भाई देख सकते हो प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन लग चुकी है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं इसमें, आपको मैंने बता दिया है, तो भाई टाइम से पहले अंदर घुस जाओ वरना बंद हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वॉशरूम आपको दोनों मिल जाते हैं, देख सकते हो वेस्टर्न स्टाइल भी और ये इंडियन स्टाइल भी, तो अंदर से आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल चल रही है भाई खाने पीने की यहाँ प्रिपरेशंस, देख सकते हो ये यहाँ चल रही है अभी खाने पीने की, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन देख सकते हो कुछ ऐसी। थर्सडे को जो है नहीं चलती यहाँ से। ट्रेन का नंबर है 82902 और ट्रेन के जो भाई आपको बता दिए थे मेन मेन स्टेशन मैंने, तो ट्रेन भाई बढ़िया है अंदर से, काफ़ी सही है भाई। अब इंटीरियर में दिखा देता हूँ, सीट्स है सारी रिक्लाइनर, और ये आपको दिख जाता है भाई मैगजीन होल्डर मिल जाता है, ट्रे जैसे कि हर इसमें मिलती है इसमें भी मिलेगी आपको, देख सकते हो पूरी प्रॉपर ट्रे, फुट रेस्ट बढ़िया एकदम। और भाई सामान रखने के लिए लगेज के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है आपको। और देखिए सनराइज़ हो रहा है अभी यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा है लंच ये वगैरह पूरा, देख सकते हो अभी वाटर बॉटल वगैरह सर्व हो रही है भाई। ये भाई इसकी पेंट्री वगैरह, गरम वगैरह खाना वगैरह ठंडा सब यहीं होता है भाई। ये लो जी हो गए डोर प्रॉपरली बंद। और देखिए आप डिपार्चर चेक करिए अब यहाँ से, और खाने पीने की भी काफ़ी सारी शॉप्स है भाई यहाँ पे, तो देख सकते हो सिक्योरिटी के हिसाब से और थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑटोमेटिक डोर्स हर ट्रेन में होना चाहिए वैसे तो, ठीक है धीरे धीरे हो रहा है। तो भाई देख सकते हो सुबह की मॉर्निंग टी आ चुकी है अपनी, हालांकि अभी गर्म पानी नहीं आया। एक बिस्किट, जिंजर टी, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स और ये चाय को मिक्स करने के लिए भाई स्टिक, हालांकि गर्म पानी रह गया, और नॉर्मल वाटर बॉटल भी अभी आनी बाकी है। देख सकते हो कुछ 3x2 का है कॉम्बिनेशन यहाँ पे, सामने स्क्रीन देख रहे होगे आप एक, तो उसमें दिखाते हैं आपको टेम्परेचर वगैरह रूट वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपको, और कुछ एडवर्टीजमेंट भी। आ चुका है भाई गर्म पानी, तो अब बनाते हैं चाय। भाई मॉर्निंग टी जो है अपनी हो चुकी है, बढ़िया थी ऑलमोस्ट। हाँ भाई कैसी थी मॉर्निंग टी? बढ़िया थी, बिस्किट के साथ मिली तो और भी बढ़िया लगा भाई। नींद में उठ के आए हैं, सुबह सुबह चाय मिल जाए और क्या। वही तो सुबह सुबह चाय मिल गई बढ़िया एकदम। तो भाई देख सकते हो यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है आपको ये पूरा। तो भाई ट्रेन पहुँच चुकी है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट पे नडियाड पे, और देख सकते हो चेक कर सकते हो स्टेशन ही पूरा 2 का हॉल्ट है यहाँ। टाइम हो चुका है 7:18 सुबह के।
भाई देख सकते हो पहुंच चुके हैं वडोदरा जंक्शन पे फाइनली, और 5 मिनट लेट है गाड़ी यहाँ पे। तो चलिए आपको बाहर से दिखाते हैं कि 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है यहाँ पे। और वडोदरा जो है भाई गुजरात की तीसरी सबसे बड़ा शहर है। तो भाई 8:03 हो चुके हैं और पहुँच चुके हैं वडोदरा जंक्शन पे, और 5 मिनट का वैसे हॉल्ट है लेकिन ट्रेन जो है थोड़ी सी लेट है तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा रुकेगी यहाँ पे। और वडोदरा को बड़ोदरा भी कहते हैं और ये गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। भाई ऑटोमेटिक डोर्स हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, अंदर ही खड़े होते हैं। तो वही चलो निकल रहे हैं, डिपार्चर आप चेक कर सकते हो वडोदरा जंक्शन से। और इसके बाद जो आपको मैंने जैसे बताया कि हमें मिलने वाला है भाई ब्रेकफास्ट, और इसके बाद जो अगला स्टेशन भरूच है। 5 मिनट का हॉल्ट किया था यहाँ पे। मौसम आप चेक कर सकते हो अभी। चलो भाई कहते हैं अलविदा वडोदरा को। कुछ मॉल देख सकते हो सामने, इंडिया बुल्स का मेगा मॉल है ये। देख सकते हो अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है और इसमें हमको मिला है भाई पोहा, ढोकला, मफिन्स, केचप, एप्पल जूस, दही, एक हैंड सैनिटाइज़र और एक हैंड सैनिटाइज़र वाइप्स मिला। तो कुछ ऐसा है ब्रेकफास्ट वेज। चलो तो भाई ट्राई करते हैं और उसके बाद आपको देते हैं एक बढ़िया सा रिव्यू। तो भाई देख सकते हो जो ब्रेकफास्ट है या कुछ भी सर्व होता है वो ट्रॉली के थ्रू होता है इसमें। हालांकि वंदे भारत में भी एग्जीक्यूटिव क्लास में भाई ट्रॉली के थ्रू ही होता है सर। तो चेक हुए 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 व्यूज़ देख सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं अपने व्यूज़। भाई नज़ारे देख सकते हो यहाँ पे, तगड़े हैं भाई इस रूट पे पूरे नज़ारे जो है ना बहुत ही बढ़िया है। और ट्रेन तो है ही कंफर्टेबल, काफ़ी बढ़िया भाई एकदम। तो भाई देख सकते हो अभी किम को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, किम रेलवे स्टेशन। और ये पीछे ब्रिज देख सकते हो आप वहाँ पे। सूरत पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही पलों में। जर्नी जो अपनी बढ़िया चल रही है भाई, तो बीच में एक दो शॉट आपको नहीं दिखा पाए हम रिवर साइड वाले, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ ऑफिशियल से बात करनी पड़ी थी। बाकी सब ठीक था, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बढ़िया रहा। तो चलिए अब आपको मिलते हैं सूरत में, और आ ही चुका ऑलमोस्ट सूरत, देख लिया आ चुका है सूरत रेलवे स्टेशन। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे भाई। तो भाई सूरत पहुँच चुके हैं, टाइम हो चुका है 9:29, 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। तो भाई ऑटोमेटिक डोर से तो ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते तो बाहर। चलिए अंदर चलते हैं और जर्नी जो अपनी बढ़िया चल रही है एकदम। सो दोस्तों फाइनली अब हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है सूरत से 5 मिनट हॉल्ट लेने के बाद। अगला स्टॉप होगा दोस्तों इस ट्रेन का वापी, उसके बाद बोरीवली, और उसके बाद होगी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल। फिलहाल आप डिपार्चर चेक कीजिए।
स्टाइल वॉशरूम, छोटा है काफ़ी स्पेस में, लेकिन ठीक है, क्लीन है कंपेयर टू अदर ट्रेन्स। बाकी वंदे भारत के कंपेयर करें तो भाई काफ़ी छोटा है, बाकी तो क्लीन है, लाइट मिल जाती है आपको, ये बाकी सब देख लो। डोर हो चुके हैं क्लोज, वापस स्टेशन है ये, आपको डिपार्चर दिखाते हैं अब वापस है। वह देखो चल चुकी है ट्रेन, टाइम हो चुका है 11:03, वापी क्रॉस कर चुके हैं और अब आ चुका है हमारे लिए खाना भाई, तो खाने में दिखाते हैं आपको क्या क्या आया है। लंच में मिलता है आपको भाई वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी, तो वेज आ चुकी है, साथ में आई है दही, और एक बार दिखा देता हूँ आपको, अभी हम बाद में खोलेंगे जब नॉन वेज भी आ जाएगा साथ में। ये आपको कुछ सॉल्ट वॉल्ट मिल जाते हैं, हैंड सैनिटाइज़र वाइप्स मिल जाते हैं फिर से आपको। चलो भाई तो ये देख सकते हो आ चुका है खाना अब, और खाने में है भाई वेज और नॉन वेज बिरयानी, और साथ में मिलती है दही आपको, चम्मच वगैरह मिल जाता है, तो देख लो बस कुछ खास और नहीं है, बस यही है। तो लंच अपना हो चुका है, लंच तो ठीक था, वेज जो है ज़्यादा बढ़िया था, और चिकन वाली बिरयानी थोड़ी ठीक ठाक थी, ओके ओके थी, चिकन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे, बाकी तो बढ़िया था तो ओवरऑल। और आपको बता दूं महाराष्ट्र में भाई अपनी एंट्री हो चुकी है फाइनली, तो भाई खाने के बाद आ चुकी है अपने पास एक अमूल की वनीला आइसक्रीम, देख सकते हो भाई इसमें आपको कॉल वेल का ऑप्शन भी मिल जाता है, देख सकते हो अगर आपको कोई इमरजेंसी या कुछ भी तो इसको दबा सकते हो। भाई ऑलरेडी पहुंच चुके हैं नियर टू मुंबई, और ये है वसल रोड, स्टेशन पर स्किप कर रहे हैं, और अपनी गाड़ी जो रुकेगी भाई वो है बोरीवली में, तो भाई देख सकते हो बोरीवली जो है बस आने वाला है कुछ ही देरी में, और ट्रेन जो है काफ़ी हद तक खाली हो गई है बोरीवली में ही, कुछ ही देरी में पहुंचने वाले हैं बोरीवली स्टेशन, और ट्रेन जो है भाई कई हद तक खाली हो चुके हैं यहीं पर ही, काफ़ी लोग जो है बोरीवली में डीबोर्ड कर लेंगे तो ठीक है, और लास्ट स्टेशन इसका जैसा आप जानते हैं मुंबई सेंट्रल है। चलो भाई आपसे डायरेक्ट मिलेंगे सीधा मुंबई सेंट्रल पे। भाई पहुंच चुके हैं मुंबई सेंट्रल, टाइम हो चुका है देख लो 1:03 पे, ऑन टाइम ही पहुंचा दिया भाई बिल्कुल, चुका है 1:03 और पहुंच चुके भाई मुंबई सेंट्रल, हालांकि 2 मिनट पहले ही पहुंचा दिया है अपने डेस्टिनेशन पे, और जर्नी भाई अमेजिंग रही, सब बढ़िया था, फूड वगैरह भी ठीक ही था, अच्छा भी कह सकते हो, और बाकी चलो यहीं ख़त्म करते हैं जर्नी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। ट्रेन के स्टाफ वगैरह की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बढ़िया था, और खाना भी बढ़िया, सब कुछ ऑलमोस्ट बढ़िया ही कह सकते हो, और ऑन टाइम पहुंचा दिया तो और क्या चाहिए आपको, सीट्स वगैरह आपको बताई थी मैंने, बढ़िया थी एकदम। चलिए